हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के नए वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में देखा था कॉल्स इन एरियर्स, राइट। इसके जस्ट एग्जैक्टली जो इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉल्स इन एरियर। और जिस तरह से कॉल्स इन एरियर की एंट्रीज बनती थी उसी तरह से इसकी भी बनती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है कि हमें पैसे नहीं मिले हैं। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है कि हमें पैसे एक्स्ट्रा मिल गए हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी जो एंट्रीज पास करनी होती है वो लगभग सेम होती है, एक या दो एंट्रीज होती है वो नहीं आ जाती हैं, तो उतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं आपको पूरा बेसिक पहले समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारा ये क्वेश्चन है, देख लो इतना बड़ा क्वेश्चन है, यही आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, मैं एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे कि एज्यूम कर लो कि मैंने एक शेयर इशू किया हुआ है, मैंने टोटल 10 शेयर इशू किए हुए हैं, ठीक है, और इनकी जो प्राइस है वो 10 रुपये है। मैंने कितने शेयर इशू किए हुए हैं, 10 शेयर इशू किए हैं और उनकी प्राइस कितनी है, 10 रुपये है। और मैंने यहाँ लोगों से जो पैसे मांगे हैं वो 3 बार में मांगे हैं, जैसे पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल। एक काम करते हैं, फाइनल भी कर देते हैं। ठीक है, जैसे 4 बार में मैंने लोगों से पैसे मांगे हैं, यहाँ पे मैंने मांगा 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, 3 2 3 2। ओके, तो अभी जब मैंने एप्लीकेशन के टाइम पे लोगों से पैसे मांगे होंगे तो लोगों को एप्लीकेशन के पैसे देने चाहिए थे, पर कोई एक शेयर ऐसा निकल गया, एक शेयर होल्डर, जिसने क्या किया, ये बाकी पैसे भी हमें यहाँ पर ही दे दिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलते हैं इसी को, कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। ठीक है, कि जब हमें पहले के पैसे अभी मिल जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। अब ये सिचुएशन सिर्फ एप्लीकेशन के साथ ही नहीं, अलॉटमेंट के साथ भी हो सकता है। कि मान लो जब मैंने अलॉटमेंट का कॉल किया तो एक शेयर होल्डर ऐसा निकला जिसने फर्स्ट और फाइनल का पैसा अभी दे दिया। ठीक है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करना होगा, यानी कि जब हमें एडवांस पैसे मिलते हैं तो उनको उनके अकॉर्डिंग ट्रीट करना होता है। और अच्छा, हमें दिक्कत कहाँ आती है वो समझो, जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं तो चुपचाप पैसे जेब में रख लूंगा, कुछ सोचूंगा नहीं, है ना। तब मुझे नहीं देखना होता कि पैसे एडवांस मिले कि नहीं मिले। लेकिन तकलीफ कब होती है, जब हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं यानी कि जब हमें कैपिटल में एंट्री लिखनी होती है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि हर स्टेज की 2 एंट्री होती है, एप्लीकेशन के टाइम पे 2 एंट्री होगी, एक पैसे मिलने की और एक ट्रांसफर करने की। तो हमें पैसे मिलने के टाइम पे नहीं सोचना होता कि एडवांस मिल गया कि नहीं मिल गया, हम तो पैसे जेब में रखते जाएंगे अपने। लेकिन तकलीफ होती है जब ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसफर करते टाइम ही हमें एंट्री लिखनी पड़ती है। तो वो एंट्री कैसे होती है वो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखते रहना। ओके, अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने 2 एंट्री लिखी है। एक लिखा है वेन एडवांस रिसीव द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो जब हमें एडवांस मनी मिल गया होता है एप्लीकेशन के टाइम पे, तो उस टाइम एंट्री कैसे करनी होती है वो देखो। सबसे पहले तो हमें पैसे मिलेंगे तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये हमने इसके पहले के लगभग वीडियोस में देखा, यही एंट्री होती है। यानी यहाँ तो हमें सोचना ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तकलीफ तो हमें यहाँ हो रही है। अब यहाँ क्या करना है, देखो यहाँ लिखा है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यानी जो पैसे यहाँ रिसीव किए होंगे वही यहाँ भी पूरा डेबिट कर दिया, तो ये तो सोचना नहीं था। लेकिन अब ये देखो 3 एंट्री यहाँ पे मैंने लिखी है, तो अब ये कैसे पास करनी होती वो समझो। अब ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, इसी एग्जाम्पल को मैं माइंड पे लेके चलते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल क्या था यहाँ पे, कि मैंने एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपए मांगे थे, ठीक है, और मेरे शेयर्स कितने थे, सिर्फ 10 शेयर्स थे। और एक ने क्या किया कि ये 3 पैसे भी अभी दे दिए, यानी अलॉटमेंट का, फर्स्ट का और फाइनल का, यानी टोटल जो है ये 7 रुपए इसके साथ ही एडवांस में पे कर दिया। यानी टोटल इसने कितने पे कर दिए, 10 रुपए दे दिए। यानी जब बैंक में हमें पैसे मिले थे तो हमने तो चुपचाप पैसे ले लिए, लेकिन जब ट्रांसफर करने जाएंगे तो कैसे करोगे, कि जो कैपिटल वाला अमाउंट है, यानी ये जो एप्लीकेशन वाला अमाउंट है, बस उतना ही कैपिटल में लिखना। देखो जैसे ये जो यहाँ पे एप्लीकेशन का अमाउंट कितना, 3 रुपए है, तो वही बस 3 रुपए यहाँ पे तुम्हें कैपिटल में लिखना है। फिर यहाँ पे अलॉटमेंट आया, तो अलॉटमेंट का कितना था, 2 रुपए था, तो अलॉटमेंट के टाइम पे 2 रुपए, बाकी 2 बचे, 3 और 2, यानी फर्स्ट और फाइनल, इनको हम लोग एडवांस में लिख देते हैं, यानी यहाँ पे 5 रुपए से चला जाएगा। समझ में आया, अगर ये पूरे पैसे मिल गए हैं तो बाकी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। एक बात और समझ लो, कि जब हम लोग एप्लीकेशन के टाइम पे एडवांस रिसीव करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि पहला एडवांस जो होगा वो अलॉटमेंट का ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली मैंने अलॉटमेंट अकाउंट लिख दिया है। लेकिन उसके बाद का
हम क्या करते हैं उसके बाद के लिए हम क्या लिखते हैं, कॉल सीन एडवांस वर्ड यूज करते हैं। तो ये याद रखना कि जब पहले एंट्री होगी तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, जैसा हमने पहले किया था वही रूल अप्लाई करना है। फिर जो एडवांस रिसीव किया होगा अगर एप्लीकेशन के टाइम पे, तो पहले जाएगा अलॉटमेंट में, फिर उसके बाद जाएगा आपका कॉल सीन एडवांस में। और जितना अमाउंट एडवांस रिसीव किया है बस उतना अमाउंट लिखते जाओ, फिर मल्टीप्लीकेशन से यानी जो हमारा शेयर होगा उससे मल्टीप्लाई करते जाओ। सब सिंपल तरीका, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो एक और देख लो, अब जब अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव किया होगा तो क्या होगा, जब अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव किया होगा तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो यहाँ पे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यानी कॉल किया होगा। अब जब मैं कॉल करूंगा तो मुझे सपना थोड़ी आएगा कि मुझे कौन एडवांस देने वाला है, इसलिए मैंने तो पहले कॉल कर लिया, मैंने नहीं सोचा कि किसने कितना भरने वाले हैं, मैंने तो सिर्फ मेरा जो काम था मैंने वो किया, यानी लोगों से बोल दिया कि भाई आप पैसे दे दो। लेकिन जब पैसे मिल गए यहाँ पे, अब मुझे पता चल रहा है यार कुछ पैसे तो एडवांस में मिल गए, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, जो पहले करते थे वही, लेकिन जो एडवांस में पैसे मिले उसके लिए क्या वर्ड यूज कर लोगे, टू कॉल सीन एडवांस अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया? अगर आप पूरा ये स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पहले वाले में बैंक वाले के साथ एडवांस नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे बैंक वाले के साथ एडवांस आया है। उसका सिंपल रीजन यही होता है कि एप्लीकेशन के टाइम पे हम पैसे रख लेते हैं चुपचाप, फिर जब ट्रांसफर करने जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि भाई ये तो गलत हो गया है। लेकिन जब अलॉटमेंट का टाइम आता है तो अलॉटमेंट का टाइम पे तो पहले पैसे हम मांगते ही ना लोगों से, हम बोलते हैं ना कि भाई 3 ही रुपए देने हैं या 2 ही रुपए देने हैं अलॉटमेंट के। तो उसमें जब एडवांस मिलता है तब हम बैंक, तब हमें पता चलता है, यानी बैंक में जब पैसे आते तब हमें पता चलता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। तो अभी काम करते हैं हम लोग, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो और उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सचिन लिमिटेड इश्यूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, अमाउंट ऑन शेयर्स वाज कॉल्ड एज अंडर। सचिन ने कितने शेयर इशू किए हुए हैं यहाँ पे, 2 लाख, ओके 2 लाख शेयर इशू किए हुए हैं, और अमाउंट उसने कॉल कैसे किया, एप्लीकेशन के टाइम ₹3.5, अलॉटमेंट के टाइम ₹4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम ₹2.5। ठीक है, तो ये थोड़ा हमारा ध्यान देना कि क्या है, एप्लीकेशन के टाइम 3.5, अलॉटमेंट के टाइम 4, फर्स्ट एंड फाइनल के टाइम 2.5, यानी ₹2.5। क्लियर है? फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 2,30,000 इक्विटी शेयर्स, एक्सेस एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड। क्या बोला है कि एप्लीकेशन कितना रिसीव किया था हम लोगों ने, 2,30,000 के लिए, और हम लोगों ने क्या किया, जो एक्सेस था वो हमने क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है। हमने इश्यू कितना किया था, 2, मिला कितना, 2,30, तो एक्सेस कितना हुआ हमारा, 30, वो हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया है। फिर आगे लिखा हुआ है, नितिन हु हैड अप्लाइड फॉर 2,500 शेयर्स हैड पेड इंटायर अमाउंट ऑफ ₹10 पर शेयर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। क्या लिखा हुआ है कि नितिन है एक होल्डर हमारा जिसने 2,500 शेयर हम लोग ने उसको दिए थे, अप्लाई किया था 2,500 के लिए, और उसने क्या किया है, सारे के सारे पैसे पे कर दिए, लिखा हुआ ना इंटायर अमाउंट। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कंपनी हैज अलॉटेड हिम ऑल द शेयर्स, और कंपनी ने उसे अलॉट भी कर दिया है। फिर आगे लिखा है, पीयूष हु वाज अलॉटेड 1500 शेयर्स। क्या बोला है, पीयूष जिसको हमने 1500 शेयर्स अलॉट किया था, हैड पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी इन एडवांस अलोंग विद द शेयर्स अलॉटमेंट मनी। क्या बोला है कि जो पीयूष है उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का जो अमाउंट था वो कब पे कर दिया था, अलॉटमेंट मनी के साथ में पे कर दिया था। ठीक है, और उसके शेयर्स कितने थे, 1500 शेयर्स थे। फिर आगे लिखा हुआ, एक्सेप्ट दिस ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स वेयर रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स। क्या लिखा है, बाकी जितने भी पैसे थे वो अलॉटमेंट के टाइम, अलॉटमेंट के हो या कॉल्स के हो, टाइम पर रिसीव हुए थे, सिर्फ इन दोनों ने ही, यानी नितिन और पीयूष, इन दोनों ने ही क्या किया था, हमें एडवांस में पे किया था, बाकी सब ने हमें टाइम पर ही अमाउंट पे किया था। ओके, फिर लिखा राइट जनरल एंट्रीज फॉर अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। क्लियर इतना? अब ये हमारा टोटल जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जैसा मैंने बताया था आप लोगों को कि क्वेश्चन को इतना बड़ा होता है और जब एंट्री पास करने जाते हैं तो हमें एक बार यहाँ पे ध्यान देना ही पड़ता है। सो बेटर है कि इस क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट में लिख लिया करो, जिससे कि हमें बार बार एक क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी शॉर्ट में लिख दिया है, मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम्हें एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो इशू कितना किया था, 2 लाख, रिसीव कितना किया, 2,30, रिजेक्ट कितना किया, 30, सिंपल।
एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कितना 3.5 4 2.5 क्लियर है। फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने नितिन 2500 शेयर्स उसको अलॉट किए थे पेड फुल, कब मैंने लिखा ये एप्लीकेशन के टाइम फुल अमाउंट पे कर दिया है। फिर उसके बाद अलॉटमेंट के सामने देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने पीयूष पेड एडवांस 1500 शेयर्स पे, उसने एडवांस पे कर दिया यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा उसने यहाँ दे दिया है, यानी इतने में ही हमारा पूरा क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्लियर इतना। इस तरह से करने से बेनिफिट ये होता है कि हमें बार बार क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं दिखना होता, हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन देख के फटाफट एंट्री पास कर सकते हैं। ओके तो एक काम करते हैं हम लोग इसकी जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी। ओके क्लियर इतना। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं, क्योंकि पहले क्वेश्चन समझ में आना जरूरी होता है तभी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है तो एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ लेना ऐसा हो तो, फिर आंसर देखना कैसे हुआ है। तो मैं फिलहाल आंसर स्टार्ट करता हूँ इसका कैसे होगा वो देखो, इसकी जनरल एंट्री कैसे करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है जो फर्स्ट एंट्री होती है हमारी वो कौन सी होती है, अमाउंट रिसीव करने की, और कौन सा अमाउंट रिसीव करते हैं एप्लीकेशन अमाउंट। यानी देखो जो तीन कॉल होता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट, इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन का पास करते हैं तो इसका एंट्री में क्या लिखते हैं बैंक अकाउंट, ध्यान से देखना मैं आपको पूरा लिख के दिखाऊंगा कि कौन सा अमाउंट कैसे आता है, तो जिससे क्या होगा जब आप दोबारा सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है तो एंट्री क्या बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है अब हमने कितना अमाउंट रिसीव किया है पहले वो देखो, हम लोगों ने कितने शेयर रिसीव किए थे 2,30,000, हम लोगों ने कितने शेयर रिसीव किए थे 2,30,000, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2,30,000 शेयर्स रिसीव किए थे और एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी थी 3.5। ठीक है एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी थी 3.5, तो मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 3.5। इतना क्लियर हुआ यानी इतना तो अमाउंट रिसीव किया ही था हम लोगों ने। फिर क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था कि नितिन ने 2500 शेयर्स के अमाउंट पूरी पे कर दी थी, क्या लिखा है पेड फुल, लेकिन अब एक बात समझो हमने कॉल कितना किया था 3.5, तो हमने कॉल किया ही था यानी एप्लीकेशन के टाइम तो बोला ही था ना कि जिसको भी पे करना हो 3.5 रुपीस पे कर ही दे, यानी ये तो हमने किया ही था। तो एडवांस क्या पे किया होगा इसने अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का, तो अलॉटमेंट का कितना हो रहा है 4 रुपीस हो रहा है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना 2.5 रुपीस हो रहा है, यानी सिर्फ इतना ही इसने एडवांस पे किया है यानी 6.5 रुपए, 4 + 2.5 6.5 रुपीस, और इसके शेयर्स कितने 2500 यानी प्लस 2500 मल्टीप्लाई बाय 6.5, समझ में आया यानी इतना ही अमाउंट हम लोगों ने एडवांस रिसीव किया होगा। क्लियर है तो अब कैलकुलेशन करके कैलसी में देख लेते कितना हो रहा है 2,30,000 मल्टीप्लाई बाई 3.5, तो ये कितना आ रहा है 8,05,000, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आ रहा है 8,05,000, और उसके बाद हमारा 2500 शेयर्स है 6.5 रुपीज जो रिसीव किया एडवांस में, तो 2500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 6.5 इसका कितना आ रहा है 16,250, इन दोनों का टोटल करोगे तो कितना आएगा 8,21,250। ओके दोनों अमाउंट का टोटल करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8,21,250। समझ में आया बैंक अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट सॉरी एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट में अमाउंट भी कैसे आया। क्लियर हुआ इतना। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं, देखो हमें पैसे तो मिल गए हमने लिख लिया हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कहानी तो असली अब शुरू होती है जब हमें अमाउंट ट्रांसफर करना होगा तब। तो सबसे पहले हमें जो आता है हम वही लिखते हैं। ठीक है मान लेते हैं कि भाई हमें इतना नॉलेज नहीं है, हम भाई बहुत नादान हैं, तो एक काम करते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इतना तो आता ही है कि यहाँ जब ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ क्रेडिट था तो यहाँ डेबिट हो जाएगा, अमाउंट कितना आएगा 8,21,250 इतना आ ही जाएगा। फिर आगे जो फर्स्ट एंट्री आएगी वो आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यानी सबसे पहले हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, और कैपिटल में ट्रांसफर कितना करोगे जितना हमने इश्यू किया था उतना ही करोगे ना, एप्लीकेशन भले हमने कितने के लिए इश्यू किया था लेकिन हमें जितना हमने इश्यू किया था वही हमारे लिए मेन है, तो ट्रांसफर कितना करोगे 2,00,000 शेयर्स पे 3.5 रुपीस, यानी ये आपका हो जाएगा 7,00,000। ये क्लियर हो गया। फिर क्वेश्चन में लिखा था कि 30,000 रिजेक्ट कर दिया है यानी वो पैसे हमें वापस करने पड़ेंगे, तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, शेयर्स कितना रिटर्न किया 30,000
और अमाउंट कितना रिटर्न किया, 3.5, यानी जो एक्स्ट्रा पैसा था वो हमने रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,05,000। समझ में आया, क्लियर हुआ इतना, यानी जो हमें पैसे मिले थे वो हमने रिटर्न कर दिए। 30,000 शेयर्स पे एक्स्ट्रा मिला था 3.5 के अकॉर्डिंग, वो रिटर्न कर दिया। अब आता है अमाउंट ट्रांसफर करने की बारी। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर एप्लीकेशन के टाइम पे कोई भी अमाउंट रिसीव करते हो एडवांस में, तो सबसे पहले समझोगे कि वो अलॉटमेंट का है, और एक्चुअल में होता भी वही है। तो हम लोग सबसे पहले वही लिखते हैं, टू अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। अब देखो अलॉटमेंट का कितना अमाउंट था, 4 रुपीज था, और शेयर्स कितने थे, 2500 थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2500 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाएगा आपका 10,000। क्लियर है, पर हमें रिसीव कितना किया था एडवांस, 6.5 किया था, और अभी तक तो हमने 4 रुपीज ही ट्रांसफर किया है, यानी बाकी का भी अमाउंट ट्रांसफर करना होगा। तो उसके लिए क्या लिखोगे, टू कॉल्स इन एडवांस। अमाउंट कितना है, 2.5 रुपीज है, और शेयर्स कितने हैं हमारे, 2500 ही है, उतने शेयर्स हैं। तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, 2500 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करोगे तो ये आएगा 6250, यानी 6250। क्लियर हुआ, ये दोनों एंट्री समझ में आ गई। अगर ये दोनों एंट्री समझ में आ गई तो आगे के समझना और भी आसान हो जाएगा। इसलिए अगर ऐसा हो, डाउट हो, तो एक बार वापस रिपीट करके देख लेना कि कैसे मैंने समझाया है, और एक एक अमाउंट में लिख के भी बता रहा हूँ कि कौन सा अमाउंट कहाँ पे कैसे क्यों आ रहा है। क्लियर इतना। तो अभी हम लोग अपना नेक्स्ट काम करते हैं, हमारा जो बेसिक काम होता है हम वही करेंगे, फिर जो बीच में एक्स्ट्रा आता है उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले बेसिक पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो बेसिक हमारा अगला क्या है, अलॉटमेंट का अमाउंट कॉल करना, अलॉटमेंट का अमाउंट कॉल करना। तो काम करते हैं, अलॉटमेंट का अमाउंट हम लोग कॉल करते हैं, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब कॉल कितना करोगे, शेयर्स कितने थे हमारे, 2 लाख थे, कॉल तो उतना ही करना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय, अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी है, 4 है, तो मल्टीप्लाई बाय 4, यानी ये कितना हो जाएगा, 1 लाख। इतना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ कि यहाँ पे क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8 लाख टू शेयर एप्लीकेशन, सॉरी टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 8 लाख। क्लियर है। अब हम अमाउंट रिसीव करेंगे, तो जब अमाउंट रिसीव करेंगे तो उससे पहले एक बार हम क्वेश्चन वापस नजर दौड़ा लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ ऐसा तो नहीं लिखा है जिससे हमें प्रॉब्लम हो जाए। तो क्वेश्चन में लिखा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, ऐसा लिखा है, क्या लिखा है कि पीयूष नाम का जो था, चलो नितिन को तो हम झेल लिए, अब एक आगे और आ गया पीयूष। पीयूष ने क्या किया कि उसने अपने जो 1500 शेयर्स थे उसमें उसने एडवांस पे कर दिया, और एडवांस कौन सा पे किया होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ही पे किया होगा, और कितना अमाउंट एडवांस में पे किया है, 2.5 रुपीज, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखना कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो एडवांस मिल गया है वो कितने शेयर्स में मिला है, 1500 शेयर्स में मिला है, पीयूष ने दिया है, ठीक है। तो अब हम एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी बेसिक एंट्री होती है, पहले वो बताओ क्या होगी। तो बेसिक एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, ये हमारी बेसिक एंट्री है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, ये बेसिक एंट्री है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधा यही लिखना है, ओके। इतना क्लियर हुआ। अब हम अमाउंट कैसे लिखेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम बैंक वाले पे जाते हैं। बैंक में हमें मिलने कितना वाला था, 1 लाख रुपीज, एज हमने कॉल 1 लाख रुपीज का किया था। लेकिन बात तो यहीं पे आ गई ना, बात यहाँ पे ये आ गई है कि अलॉटमेंट के जो पैसे थे उसमें से एक नितिन था जिसने 2500 शेयर पे पहले ही पैसे दे दिए थे, यानी कि ये 4 रुपीज जो है वो नितिन के शेयर्स के तो मिलने वाले नहीं है। और इसका अमाउंट कितना आया था, यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, 10,000 आया था, यानी कि 1 लाख में से 10,000 तो गए हमारे, ठीक है। यानी जो हमारा 8 लाख रुपीज जो मिलने वाला था उसमें से 10,000 तो मिलेंगे नहीं, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो ये 8 लाख रुपीज था उसमें से 10,000 तो नहीं मिलेंगे, ये कंफर्म हो गया है। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं, इतना कंफर्म हो गया कि ये 1 लाख में से 10,000 नहीं मिलेंगे, तो वो मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद जब मैं और थोड़ा आगे गया तो पता चला पीयूष ने एडवांस पे कर दिया, कितना एडवांस पे किया, 2.5 रुपीज।
अगर एडवांस पे कर दिया है तो उसके लिए भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो प्लस 1500 मल्टीप्लाई बाय एडवांस 2.5, तो 8 लाख माइनस 10 करो तो 790 हो जाएगा, और 1500 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करोगे तो 3750 हो जाएगा। देख लो यहाँ पे 1500 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करोगे तो कितना होगा 3750, और पहले का कितना था 790, यानी टोटल कितना हो जाएगा 793,750 रुपीज, इतना हम लोगों ने रिसीव किया, तो वो आ गया बैंक में। क्लियर हुआ इतना? अब यहाँ पे क्या लिखना है वो देखो, अगर यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जितना यहाँ पे डेबिट किया है उतना ही यहाँ पे क्रेडिट करना चाहिए, अलॉटमेंट में उतना ही क्रेडिट होना चाहिए। बट अगर तुम यहाँ पे देखो तो मैंने अलॉटमेंट में ऑलरेडी 10,000 क्रेडिट कर दिया है, राइट। मैंने क्या किया था कि जब मुझे पैसे एडवांस मिले तो उसी टाइम मैंने 10,000 अलॉटमेंट में डाल दिए थे, तो यहाँ पे अब बचा कितना 8 लाख टोटल लिखना चाहिए था, उसमें से 10 पहले लिख दिया है, तो अभी बचा कितना सिर्फ 7,90,000। समझ में आया? क्लियर हुआ? और बाकी जो हम लोगों को पीयूष से एडवांस मिला है उसके लिए हम लोग नाम क्या लिखते हैं, टू कॉल्स इन एडवांस, और कितना एडवांस मिला है वो हम लोगों ने पहले देख लिया कि 3750, टू कॉल्स इन एडवांस 3750। क्लियर हुआ इतना? समझ में आया? कितना सिंपल है ना, कुछ नहीं करना होता, बस स्टेप फॉलो करना होता है और कुछ चीजें दिमाग में रखनी होती है, बाकी तो ये इतना आसान है कि इसके जितना आसान तो कोई चैप्टर ही नहीं है हमारे अकाउंट्स में, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट कॉल करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कॉल है वो कौन सा होगा, फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल, बहुत जरूरी कॉल है ये, क्योंकि ये दोनों तो भाई ठीक थे, ये थोड़ा ज्यादा है, इसमें क्या करना है वो बहुत ध्यान से लिखना। तो सबसे पहले मैं एंट्री जो हमारी नॉर्मल एंट्री पहले वही लिखता हूँ मैं, हमारी नॉर्मल एंट्री क्या होती है कॉल करने की, तो कॉल कर लो भाई, कौन सा कॉल है ये, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, राइट। फिर टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अब कितना शेयर पे कॉल करोगे, कॉल तो हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे पूरे शेयर पे, हमें यहाँ पे नहीं देखना है कितने शेयर पे पैसे मिल गए थे कितने नहीं, क्योंकि हम जब किसी को उससे पैसे मांगते तो हमें ये नहीं कि इससे मांगूंगा उससे नहीं मांगूंगा, भाई मुझे पता है अगर किसी ने दे दिया है तो ठीक है उसको नहीं समझना है, लेकिन बाकी के लिए हम करते ही है ना। जैसे कि अगर आपके पास कभी कुछ जैसे फॉर्म वॉर्म निकलता है, जैसे कॉलेज का स्कूल का कुछ फॉर्म निकलता है, तो एडवांस नोटिस जो आती है क्लास में, वो नोटिस कैसे आती होगी, कॉलेज की नोटिस आती है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने फीस नहीं भरा है वो फीस पे कर दें, या जिन भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म पे कर दें, फॉर्म का अमाउंट या जो फॉर्म है फिलअप कर दें। तो अब ये थोड़ी वो एक एक से आके पूछेंगे तुमने पे कर दिया था तुमने भरना, कान में थोड़ी आके बोलेंगे है ना, वो तो नोटिस ही लगती है ना, नोटिस तो पूरी लगेगी, या वो तो मांगेंगे सबसे, वैसे ही यहाँ पे है, तो कंफ्यूजन ना हो कि हमें कि जिन लोगों ने एडवांस पे कर दिया उनसे नहीं मांगना, नहीं हम मांगेंगे सबसे, जब पैसे मिलने वाली डेट आएगी तब उन लोगों को साइड में कर देंगे। तो हम लोग मांगना कितने लोगों से है, 2 लाख लोगों से, यानी 2 लाख शेयर होल्डर से ना, और अमाउंट हमारी कितनी है लास्ट वाली अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का देखोगे तो 2.5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये आ जाएगा 5 लाख, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, आया समझ में? अब हम लोग को पैसे मिलेंगे, और जब पैसे मिलेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, तो जब हमें पैसे मिलेंगे तो सबसे पहले हमारा जो एंट्री बनता है जो हमें नॉर्मली पता है हम पहले वही करते हैं, जैसा मैंने कहा है कि पहले बेसिक को फॉलो करो। तो बेसिक हमारा क्या होता है कि हम बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, ये हमें पता है कि हम सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट, पहले जितना आता है उतना मैंने लिख दिया, ठीक है। अब पैसे कितने मिलेंगे वो समझते हैं, हमें अमाउंट कितना मिलने वाला था, 5 लाख रुपीज मिलने वाला था, तो पहले मैं वही लिख देता हूँ कि मुझे 5 लाख रुपीज मिलने वाले थे, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया कि 5 लाख मिलने वाले थे, अब कितने नहीं मिलेंगे वो समझो। क्वेश्चन के अगर आप देखोगे तो पीयूष ने एडवांस पे कर दिया था, यानी पीयूष के पैसे नहीं मिलेंगे, प्लस नितिन ने भी एडवांस पे कर दिया था, यानी नितिन और पीयूष ये दोनों नहीं पे करने वाले, बाकी सब पे करेंगे।
तो इन दोनों का अमाउंट का कैलकुलेशन तो हम लोगों ने पहले से ही किया, हमें दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर देखो यहाँ पे मैंने किया हुआ है तो कितने इसके एडवांस आ रहे हैं, 6250, और इसके कितने एडवांस आ रहे हैं, 3750। यानी दोनों का हम लोगों ने कैलकुलेशन किया ही है, इसका 6250 है और इसका 3750। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो 10,000 हो रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे 5 लाख में से 10,000 हम लोगों को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे कितना मिलेगा हम लोगों को, सिर्फ 4,90,000। समझ में आया, क्लियर हुआ? अब एक बात और समझो, यहाँ पे जब हमें एडवांस मिला था तो हम लोगों ने कॉल से एडवांस अकाउंट क्रेडिट किया था। क्यों क्रेडिट किया था, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बन गई थी। अगर किसी ने एडवांस दिया हो तो हम एज अ लाइबिलिटी ही लिखते हैं ना। तो अब इन दोनों ने जब एडवांस पे किया था तो हमने इनका अकाउंट क्रेडिट किया था। लेकिन अब जब पैसे मांगने वाली डेट आ गई है तो हमने पढ़ा है कि अगर वो लाइबिलिटी हो और जब डेट आ जाती है तो उसे हम अपोजिट कर देते हैं, यानी क्रेडिट से डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना है, 10,000। ओके, और फर्स्ट इन फाइनल कॉल में तो पूरा ही चला जाएगा 5 लाख। आया समझ में कि नहीं? ये वाला एक बार वापस सुन लो कि इसमें क्या था कि यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट किया था 6250 और यहाँ क्रेडिट किया था 3750। अब जब हमें एडवांस वाला डेट आ चुका है, मतलब जैसे आज की मान लो डेट थी, ठीक है, आज हमें पैसे मिलने वाले थे, वो पैसे हमें किसी और ने पहले ही दे दिया था। लेकिन जब आज डेट आएगी तो मैं वापस बुक ओपन करूंगा, देखूंगा कि उसने पैसे मुझे कब दिए थे। तो जब मैंने एडवांस लिखा होगा वो मुझे अकाउंट क्लोज करना होगा ना, क्योंकि वो अब खत्म हो चुका है, अब पैसे मिलने की डेट आ गई है, तो मुझे कॉल से एडवांस लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो वहां से मैं अकाउंट कैंसिल करूंगा, तो जब वहां क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे कहा जाए कॉल से एडवांस अकाउंट डेबिट। समझ में आया? यानी जब हमें एडवांस में पैसे मिलते हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी बनती है, तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं, और जब डेट आ जाती है तो वो लाइबिलिटी हमारी खत्म हो जाती है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यानी जस्ट सिंपल अकाउंट का रूल है कि अकाउंट क्लोज करना हो तो डेबिट से क्रेडिट कर दो, क्रेडिट से डेबिट कर दो। तो वही यहाँ पे रूल अप्लाई किया है। क्लियर हुआ ये? आया समझ में? ओके, तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो एंड होता है। यानी यहाँ पे मैंने पूरा आपको समझा दिया है कि अमाउंट कैसे लिखते हैं, एक एक करके मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि एक एक एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, इस वीडियो को तुम ध्यान से देखना, ओके, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, और जितना हो सके लाइक कमेंट, जो भी आपका सजेशन हो या कोई अगर बताना हो कि सर ये थोड़ा समझा दो या ऐसे समझाओ, तो वो सब चीजें तुम हमें यानी मुझे बिंदास बता सकते हो। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मुझे उल्टा अच्छा लगेगा कि तुम किस तरह से मुझे रिस्पॉन्स दोगे, वो रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत मायने होता है। ठीक है, तो वीडियो देखते रहो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहो। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।